नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का वीडियो। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं जो जिसमें भारत को बांटा गया है, क्योंकि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, तो हर जगह के क्लाइमेट के हिसाब से सब कुछ सारे रीजन अलग अलग बांटे गए हैं। तो टोटल कितने फिजिकल ज्योग्राफिकल डिविजन्स इंडिया में हैं, आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये सब पता चलेगा। प्लस इस वीडियो के एंड तब में आप काफ़ी फिजिकल फीचर्स के साथ में फैमिलियर हो जाएंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। अब वो चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस के एग्जाम्स हो, या टैट या सी टैट के एग्जाम्स हो, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। बहुत वेरिएशन है क्लाइमेट में, सीजन्स में, लोगों की कल्चर्स में भी वेरिएशंस हैं। अभी हम लोग केवल ज्योग्राफिकल रीजन्स की बात करेंगे, तो जो सीज़न है, रेनफॉल पैटर्न है, इन सब के बारे में वेरिएशंस देखेंगे। तो टोटल अब जो हिमालय का रीजन है उसकी अपनी कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। जो साउथ का एरिया है उसकी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम लोग क्लाइमेट के बारे में या सॉइल्स के बारे में बात करें तो इंडिया में, प्लस आपको रॉक्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। आपको कहीं कहीं मार्बल मिलेगा जो कि सफ़ेद है, कहीं कहीं इग्नियस रॉक्स मिलेंगे जो कि बनते हैं वॉल्केनोस से, के लावा से, और कहीं कहीं आपको सेडिमेंट्री रॉक्स भी मिलेंगे। जहाँ रिवर्स नॉर्थ में, जहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो नदियों के साथ में बह के आते हैं। तो आइए उससे स्टार्ट करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया को टोटल 6 रीजन्स में बांटा गया है। तो वो 6 रीजन्स हैं, एक तो हिमालय माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन है, इंडिया का जो डेजर्ट पार्ट है वो है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू। और पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो साउदर्न पार्ट है उसी उसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ये जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स लिखा हुआ है ये है कोस्टल एरियाज। और इसके बाद में आपका आता है आइलैंड ग्रुप्स, जो कि एक आइलैंड ग्रुप्स यहाँ है, एक आइलैंड ग्रुप्स इधर है। इसके बारे में मैं चर्चा आगे की स्लाइड्स में करूँगा। एक नेक्स्ट फिजियो ज्योग्राफिकल रीजन एक थार डेजर्ट भी है। तो दीज आर द 6 फिजियो ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया: हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और द आइलैंड्स। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो नदन मोस्ट डिवीजन है, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। हिमालयन माउंटेन्स को हमने 4 श्रेणियों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये पूरे 4 डिवीजन्स में डिवाइडेड है, क्योंकि काफ़ी वास्ट एरिया कवर अप करते हैं, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू ईस्टर्न इंडिया। और इसका कुछ पार्ट म्यांमार में भी है। म्यांमार में इसको अराकोमा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसको हिमालयाज बोलते थे। हिमालय 4 डिवीजन्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, किन किन रिवर्स के बीच में वो है। सबसे पहले, सबसे बड़ा है पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज इंडस और सतलज के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट इज कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलज और काली के बीच में लाई करता है। कुमाऊं हिमालय के बाद में नेपाल हिमालयाज है। नेपाल हिमालयाज काली और तीस्ता के बीच में लाई करते हैं। और उसके बाद में है असम हिमालयाज, जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में लाई करते हैं। नमचा बारवा इधर लाई करते हैं। नमचा बारवा इज द माउंटेन पीक दैट इज लोकेटेड इन असम हिमालयाज। तो जितने भी वर्ल्ड के जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, यहाँ इस एरिया में जितने भी माउंटेन पीक्स हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। जो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो भी नेपाल हिमालयाज में ही लोकेटेड है। तो आइए इसके बारे में और बात करते हैं जरा।
जो जितने भी माउंटेन रीजन्स हैं जो हिमालयस में लाई करते हैं वो कौन कौन से हैं। ये हिमालयस के बारे में है, दिस इज द काराकोरम रेंज, दिस इज द लद्दाख रेंज, दिस इज काराकोरम, दिस इज लद्दाख, दिस इज जास्कर। पीरपांजल इधर लाई करता है कि यहाँ, एंड श्रीनगर लाइज बिटवीन जास्कर एंड पीरपांजल। तो हिमालय से जो पांच नदियां, जो बेसिक पांच रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास, इन पांच में से चार जो हैं, इंडस, झेलम, रावी एंड सतलज, दीज रिवर्स फ्लो इन पाकिस्तान ऑल्सो। ब्यास पंजाब के एरिया में सतलज के साथ में मर्ज हो जाती है, उसके बाद में वो पाकिस्तान जाती है। तो ये चारों जो रिवर्स हैं पाकिस्तान में फ्लो करती हैं। इंडिया में पांच रिवर फ्लो करती हैं और पाकिस्तान में ये इंडस प्लेन का एरिया बनाती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। कुछ पार्ट इंडिया में लाई करता है लेकिन मेजॉरिटी पार्ट इंडस प्लेन का पाकिस्तान में लाई करता है। फिर ये आगे मर्ज होके इंडस ही फ्लो करती है, और जो इंडस बाद में अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाती है। नेक्स्ट इज, जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, दिस इज कंचनजंगा। ईस्ट से बात करें, सबसे ईस्टर्न जो है नमचा बारवा है, जो कि असम हिमालयाज में लाई करती है। नेपाल हिमालयाज, कंचन, देन इट्स कंचनजंगा, देन मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गुरला मंदाता, दैट इज सिचुएटेड इन नेपाल, नंदा देवी एंड कामेट। कामेट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड इंडिया। तो इनकी हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। नमचा बारवा की हाइट है 7756। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, 8598 मीटर इसकी हाइट है। मकालू जो कि नेपाल में लाई करता है, इट इज 8481 मीटर्स हाई। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इसकी हाइट है 8848। इस ये क्वेश्चन फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है एसएससी में, तो बहुत पूछा जाता है, जिसमें डायरेक्टली हाइट पूछी जाती है कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट कितनी है। धौलागिरी की हाइट है 8172। धौलागिरी भी नेपाल में लाई करता है। नंग पर्वत की हाइट है 8126। अन्नपूर्णा जो कि इंडिया में नेपाल में लाई करेगा, 8078 उसकी हाइट है। नंदा देवी इन इंडिया 7817। कामेट और 7756। नमचा बारवा और कामेट दोनों की हाइट बराबर है 7756। सो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किन दो पीक्स की हाइट सेम है? तो नमचा बारवा इन द असम हिमालयाज एंड कामेट इन द कुमाऊँ हिमालयाज। गुरला मंदाता जो कि नेपाल में है, उसकी हाइट है 7728। तो ये हाइट आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये अरेंज करने के लिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, जैसे कि जैसा भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया हो। अब दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इसमें आपको सब बताया गया है। दिस इज द लद्दाख रेंज, दिस इज जास्कर, एंड दिस इज आउटर रेंज जो है हिमालय की। आउटर रेंज को हम लोग शिवालिक बोलते हैं, एंड इसकी जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको हम हिमाद्री बोलते हैं। ये अरावलीज हैं, अरावली रेंज लाइज इन राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा ऑल्सो, जो सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा है उसमें भी लाई करता है, गुजरात के पालनपुर से। तो ये बेसिकली दिल्ली में जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वो अरावली हिल्स की पहाड़ियों पे ही बना हुआ है। दिस इज द विंध्या एंड सतपुरा रेंज, इनके बीच में नर्मदा फ्लो करती है, जो कि वेस्टवर्ड्स फ्लो करती है, ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से और अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। नर्मदा और तापी, दीज आर द टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि वेस्ट में, बाकी सारी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग हैं, जो कि आगे जाके बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करती हैं। दिस इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू। दीज रीजन आर वेस्टर्न घाट्स, दीज आर ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न घाट्स
दीज आर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है दे आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट में हम बात करें तो ये जो गोवा की कोस्ट है दिस इज नोन एज कोंकण कोस्ट, दिस इज मलाबार कोस्ट। इसके बारे में मैं आगे की स्लाइड्स में और डिटेल में पढ़ूंगा। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स इनका कॉन्फ्लुएंस होता है नीलगिरी तमिलनाडु में। दिस इज नीलगिरी एंड दिस लाइज इन तमिलनाडु। जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसे बोलते हैं अनाई मुडी, जो कि जिसकी हाइट है अराउंड 2895। वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सयाद्रीज भी बोला जाता है। ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलेंगे हम लोग अनाई मुडी 2695, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट्स में लाई करेगी। जी माफ कीजिएगा, जो मैंने पहले बताई वो वेस्टर्न घाट्स की में लाई करती हैं। इसके बाद में जो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है दैट इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे जाएंगे वेस्टर्न घाट्स की हाइट इंक्रीज करती जाएगी। तो आपको महाराष्ट्र में जितनी हाइट मिलेगी उसके हिसाब से साउथ में उसकी हाइट ज़्यादा मिल होगी। और एक डिस्टिंग फीचर है पेनिनसुलर इंडिया का, ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी होती है, जिस जो कि डेक्कन प्लेट्यू जो है उसका एक प्रोमिनेंट पार्ट है। ये कहाँ से, किससे, ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बना है, जो ज्वालामुखी से लावा वगैरह मिल रहा है उससे ब्लैक सॉइल बना है। कॉटन की कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो डेक्कन प्लेट्यू है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू टू द दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। जो नर्मदा है उसकी साउथ में जो रीजन है उसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट में हाई, ज़्यादा हाई है ईस्ट के कंपैरिजन। द नेक्स्ट इज द इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट जो है, जो कि दैट लाइज इन द राजस्थान एंड अरावली की जो रेंज है उसके पैरेलल में एरिया। इस एरिया में जो रेनफॉल होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है बिकॉज अरावली मानसून विंड्स के एकदम पैरेलल में जाती है तो वो स्ट्राइक नहीं कर पाते और उधर रेनफॉल कम होती है। तो दिस लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें जो सबसे लार्ज रिवर है वो लूनी है। दिस इज द लूनी रिवर एंड लूनी रिवर ड्रेन्स इनटू द मार्शी लैंड्स ऑफ डेजर्ट्स। उसको वो पहुंच ही नहीं पाती, जो ओशियन सी है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, उससे पहले ही वो ड्रेन आउट कहीं मार्शी लैंड्स में एवेपोरेट ही हो जाती है। तो लूनी माही रिवर जो है दिस इज़ द ओनली रिवर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है दो बार। दिस इज द दिस लाइन रिप्रेजेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किस किस स्टेट से पास होती है। एमबीबीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 14 मध्य प्रदेश की 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो एक स्टेट तो आपको पता चल गया कि मध्य प्रदेश से तो पास होती है। इस मैप में आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। नेक्स्ट दिस इज द मैप शोइंग इंडियन पेनिनसुला। ये दिस इज द रीजन ऑफ बुंदेलखंड जो कि मध्य प्रदेश में लाई करता है, सम पार्ट्स इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो। दिस दीज आर द सेंट्रल हाईलैंड्स, विंध्या, माइकल रेंज, कैमूर हिल्स, इसी में लाई करेंगे। दिस इज द रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड दिस इज द रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। कर्नाटका का जो प्लेट्यू है वो ये है, दिस इज तेलंगाना प्लेट्यू। तो जो अभी हाल ही के टाइम में आंध्र प्रदेश बाइफरकेट हुआ है, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रिमेंबर जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं वो जो कहीं ना कहीं सी को फेस करती हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कोस्टल स्टेट नहीं है, इसको याद रखिएगा।
तो जो डेक्कन रिवर्स हैं ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करती हैं, सब ईस्टवर्ड होती हैं। अगर हम डेक्कन उसकी रिवर्स की बात करें जो कि वेस्ट में फ्लो करती है, केवल नर्मदा और तापी हैं जो कि वेस्ट में फ्लो करती हैं। ये काठियावाड़ का प्लेट्यू है एंड दिस इज द रीजन ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज द रीजन गल्फ ऑफ कच्छ। ये मैंने आपको कोस्टल एरियाज बताए, दिस इज द काठियावाड़ कोस्ट। दिस इज द कोंकण कोस्ट, दिस इज द कोस्ट ऑफ गोवा, दिस इज द कोंकण कोस्ट। द कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा इज कन्नड़ कोस्ट, दिस इज कन्याकुमारी कोस्ट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ मलाबार कोस्ट ऑल्सो, दिस कन्नड़ कोस्ट एंड कन्याकुमारी कोस्ट। कोंकण कोस्ट अलग ही है, दिस इज द पार्ट ऑफ कोरमंडल कोस्ट, दिस इज उत्कल कोस्ट, उत्कल उड़ीसा रीजन में, दिस इज द आंध्र कोस्ट एंड दिस रीजन इज नोन एज द नॉर्दर्न सिरकार आइलैंड्स। तो जो महेंद्रगिरी है, गिरी है, हिल्स है, दैट इज द हाइएस्ट, जो कि ईस्टर्न घाट में सबसे हाइएस्ट हिल्स है, दैट लाइज ऑन नॉर्दर्न सिरकार आइलैंड्स, सॉरी नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट। इसके अलावा इंडिया के पास दो आइलैंड ग्रुप भी हैं, हालांकि आइलैंड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको ग्रुप्स बना रखा है, तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 39 ग्रुप हैं और अंडमान में 572 ग्रुप्स हैं। दीज आर द टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लक्षद्वीप लाइज इन द अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। तो लक्षद्वीप जो है 39 आइलैंड्स मिला के लक्षद्वीप आइलैंड्स बनाया हुआ है, जो इसमें पिटी आइलैंड है जो कि अनइनहैबिटेड है, मतलब कोई नहीं रहता उसमें, एक बर्ड सेंचुरी भी। अब हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ से एक 10 डिग्री चैनल पास करता है जो कि अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। दिस इज द नॉर्थ अंडमान, मिडल, लोअर अंडमान, देन पोर्ट ब्लेयर, देन लिटिल अंडमान। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दिस इज द नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान। तो ये आपसे डायरेक्शन वाइज अरेंज करने के लिए आ सकते हैं। दीज आर द कार निकोबार, कार निकोबार इधर है, ग्रेट निकोबार सबसे नीचे पड़े। रिमेंबर इंदिरा पॉइंट वॉज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टिल द टाइम बिफोर सुनामी। सुनामी के टाइम में वो पार्ट पानी में सबमर्ज हो गया, तो नाउ इट इज नॉट द सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो ये इस वीडियो में इंफॉर्मेशन थी इंडिया के फिजियो ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में। आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो, एंजॉयड इट, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आप काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी इट्स टाइम फॉर द क्विज। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज नंबर 1 अनायमुडी, महेंद्रगिरी, खासी और कोरोमंडल। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू नंबर 1 कोरमंडल, कन्नड़, कोंकण और नॉर्दर्न सिरकार। एंड द माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर कलेक्टिवली नोन एज नंबर 1 हिमाचल, पूर्वाचल, उत्तराखंड और डी नन ऑफ द अबव। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज प्रोवाइड मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।